फिर लोग आते हैं अपने पास में कि भाई पेनिस का साइज छोटा है, पेनिस का साइज छोटा है। मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम 1.5 इंच होना तो भी चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम 1 इंच तो भी चाहिए जब ढीला है तो। हाँ 1 इंच से कम है तो प्रॉब्लम है, तो आपको बड़ा होना जरूरी है, साइज बड़ा करना जरूरी है। तो डेफिनेटली हम आपको काउंसलिंग करेंगे, दवाई देंगे, मगर 1.5 इंच रात भी चलता है, और जब टाइट होता है तो आपको 3 इंच भी चलेगा, 3 इंच चलेगा, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। मगर आप पॉन में देखते हैं कि 6 6 7 7 8 8 9 9 इंच रहता है, तो आप उसकी चिंता मत करो, वहां से अपना दिमाग बहक मत दो, कुछ होता नहीं है। वो एक्टर लोग रहते हैं, वो स्पेशली एक्टिंग करने के लिए चुने जाते हैं, और जिनके लिंग बहुत लंबे हैं उनको ही उसमें लाया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, और पैसे देके उनको सेक्स करने के लिए बोलते हैं, इंजेक्शन देके उनको सेक्स करने के लिए बोलते हैं, सब एक्टिंग रहती है, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। फिर सेकंड टाइम करना है तो क्या करें, सेकंड टाइम करना है तो क्या करें, तो उसके लिए भी मैं आपको दवा दूंगा। जब दवा आप लेते हैं तो सेकंड टाइम आप कर सकते हैं, और स्त्री संतुष्ट कैसे करना, उसके लिए क्या करने, उसके लिए भी दवा दूंगा। नंबर 1 मैंने बताया छोटा है, नंबर 2 बताया टेढ़ा है, नंबर 3 बताया है स्वप्न दोष होता है, नंबर 4 बताया हस्तमैथुन से लिंक छोटा दुबला पतला हो गया, नंबर 5 बताया सेक्स सेकंड टाइम करना है, नंबर 6 बताया स्त्री संतुष्टि कैसे करना, इसमें से कौन सा प्रॉब्लम आपका है। बढ़िया, आपने जिनको काउंसलर बनने का है, और जिनको काउंसलर बन के बहुत पैसा कमाने का है, और अपना फ्यूचर बनाने का है, अपना फ्यूचर बनाने का है, पैसा कमाने का है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम 50 करोड़ लोगों को हमारे देश में ये प्रॉब्लम है सेक्स का, और 50 करोड़ लोगों का इलाज मैं नहीं कर सकता अकेला, इसके लिए लोग होंगे, और लोगों को ठीक करना है, इलाज करना है लोगों का, तो पार्टनरशिप लगेगी, ठीक है। ओके गुड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम जाते हैं तो अभी हम जाएंगे नपुंसक वगैरह, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब खड़ा नहीं होना। क्या होता है कि खून का सप्लाई जो है, खून का सप्लाई वो बढ़ जाता है लिंग का, यहाँ इच्छा पैदा होती है, इच्छा पैदा हो गई तो यहां से करंट जाता है, करंट यहाँ जाएगा लिंग में जाएगा, और लिंग में जाने से खट 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 यहाँ एकदम 100 150 ml 200 ml खून अंदर घुसेगा, और खून अंदर घुस जाएगा तो लिंग टाइट हो जाएगा। यदि खून कम जाता है तो कम टाइट होगा, ज्यादा खून जाता है तो ज्यादा टाइट हो। हम जो दवाई देते हैं वो दवाई से बहुत खून अंदर घुस जाता है और लिंग बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा टाइट होता है, ठीक है ना। तो आपको हम दवाई देंगे तो आपको उसमें फायदा दिखेगा। कुछ लोगों का टाइट होने का जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ऐसा है कि उनको डायबिटीज हुआ है तो खून अंदर घुसता नहीं, हाइपरटेंशन है तो खून अंदर घुसता नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो खून अंदर घुसता नहीं, तंबाकू सिगरेट लेते हैं तो खून अंदर घुसता नहीं, डिप्रेशन की दवा खा रहे तो खून अंदर घुसता नहीं। अभी हम दवा देंगे तो खून अंदर घुसेगा और टाइट हो जाएगा, ठीक है ना। वो स्पंज लेते, स्पंज तो मोटाई कम है तो उसके लिए भी मैं आपको दवाई दूंगा और काउंसलिंग करूंगा, दवाई दूंगा और काउंसलिंग करूंगा मोटाई के लिए भी, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये जो अपना जो लिंग रहता है ना, तो लिंग समझो आपका 1.5 इंच है या 2 इंच है, समझो ये ऐसा है, आप मुझे देख पा रहे हो, ये समझो ऐसा है। अब क्या, अब आपको समझो भय है, कर नहीं सकूंगा, डर है, चिंता है, निराशा है, तो उसका भी इलाज करना पड़ेगा, तो वो भी इलाज हम करेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि उम्र बढ़ जाती है तो भी ऐसा हो जाता है, 40 50 साल की उम्र हो गई तो टाइट होता नहीं। प्री मैच्योर इजैकुलेशन सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है, 100 में से 100 पुरुष या 100 लड़कों में से 80 लोगों को यह प्रॉब्लम है, 80 लोगों को यह प्रॉब्लम है, जल्दी छूट जाना। कुछ लोगों का फोन पे बातचीत करते करते छूट जाता, कुछ लोगों का आसपास में बैठे तो छूट जाता, कुछ लोगों का हाथ में हाथ लिया तो छूट जाता, कुछ लोगों का खेलते खेलते छूट जाता। फिर औरत बोलती है कि अरे क्या हो गया, क्योंकि एक बार छूट गया तो टाइट नहीं होता। कुछ लोगों का अंदर डालते डालते छूट जाता। तो अभी जो स्टडीज है वो बताती है कि 1 मिनट के अंदर यदि आपका छूट जाता है तो औरत खुश होंगी नहीं, आपके झगड़े होंगे,
और झगड़े होंगे, प्रॉब्लम हो जाएंगे। मास्टरबेशन जो है, हस्तमैथुन, मुट्ठी मारना, हैंड प्रैक्टिस, उससे भी ऐसा होता है, उसकी लत लग जाती है। और एक बार लत लग गई, फिर टाइट नहीं होता है तभी भी घिस रहे हैं, टाइट नहीं हो रहा है तभी भी कर रहे हैं, उसमें जख्म हो रही है, प्रॉब्लम हो जाता है, उससे भी फिर कमजोरी आती रहती है, दिमाग के ऊपर लोड आता है। तो वो भी ठीक करना है तो आपको इलाज करना पड़ेगा। और चौथा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है होमोसेक्सुअलिटी का समलिंगी आसक्ति, समलिंगी आसक्ति है। तो इसमें से आप कौन सा प्रॉब्लम ठीक करना चाहोगे? नंबर एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब लैंगिक कमजोरी। नंबर दो शीघ्रपतन, प्री मैच्योर इजैकुलेशन। नंबर तीन मास्टरबेशन की लत। और नंबर चार होमोसेक्सुअलिटी। आप डाल सकते हैं जल्दी छूट जाना, टाइट नहीं होना, अस्तमैथुन, होमोसेक्सुअलिटी। वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन का है, जल्दी छूट जाने का प्रॉब्लम है, ठीक है। करने तो अभी इसके लिए इलाज क्या है? तो पहले हम देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या है। इसका इम्पैक्ट है कि पत्नी के सामने या गर्लफ्रेंड के सामने अपनी इज्जत का भाजीपाला हो जाता है, इज्जत चले जाती है, वो झगड़ा कर लेती है, पत्नी रही तो तलाक ले लेती है, झंझट झगड़ा किरकिरी किरकिरी हो जाती है, अपने को इंसल्ट लगता है। आप कहीं सेक्स वर्कर के पास में जाते हैं, वो व्यापार के लिए बैठी है, पैसे ले लेती है, आपको अनुभव अच्छा नहीं आता है, आपको वो हकाल देती है, जाओ तुमको उठता नहीं, तुम्हारा खड़ा होता नहीं है, चले जाओ, या तुम्हारा जल्दी गिर गया, तुम बोलते यार पैसे फालतू गए। फिर ये इम्पैक्ट है, विवाह बाह्य संबंध है ना, अनहैप्पीनेस है, डिवोर्स है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम तीन तरह से इलाज करते हैं। तीन कौन सा है? एक है दवाइयां, दो है सेक्स काउंसलिंग, और तीसरा है हमारे वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस। रिकॉर्डेड वीडियोस में आपको 60 दूंगा, 60 वीडियोस दूंगा आपको, 60 वीडियोस दूंगा आपको, वो वीडियोस आप देख सकते हैं और आपका उपचार हो जाएगा। दवाई देता हूं तो दवाई कौन सी है? दवाई हमारे पास में जो है एलोपैथी की है, और वो दवाई एलोपैथी की, होम्योपैथी की, आयुर्वेदिक तेल, मलम, ऐसा भी है, हम आपको दवाई देंगे। तो हम पहले आपसे बात करेंगे, आपसे हम पूछ के बात करके आपको कौन सा प्रॉब्लम है वो देखेंगे, और वो प्रॉब्लम सुन के समझ के फिर आपको हम दवाई भेजेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, वो हिसाब से दवाई आपको भेजेंगे। कुछ लोगों को हम तेल देंगे, कुछ लोगों को मलम देंगे, कुछ लोगों को एलोपैथी की दवाई देंगे, कुछ लोगों को एलोपैथी होम्योपैथी देंगे, ऐसा होगा। क्या होता है कि सिर्फ दवाई देके काम होता नहीं, तभी भी हम दवाई तो देना ही पड़ता है कुछ लोगों को। दवाई देखो इस प्रकार की अलग 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 दवाइयां हैं, जैसे मेरे पास में ये दवाइयां हैं, वो दवाइयां आपको हम देंगे। देखो ये पूरी दवाइयां हैं, है ना, अलग अलग आपको बताई पिक्चर में, तो ये दवाइयां हैं आपको। और वैसे ही काम पड़ा तो ये ऑयल देते हैं, स्पेशली हमने ये ऑयल बना के लिया हुआ है, स्पेशल ऑयल बना के लिया हुआ है, ये ऑयल है। और कुछ लोगों को ये मलम है, ये मलम देते हैं हम लोगों को, और जरूरत के अनुसार होम्योपैथी की गोली देते हैं, जरूरत के अनुसार होम्योपैथी की गोली है, ठीक है ना, और वो हम आपको इलाज करवाते हैं इसका। मगर बहुत लोगों को सवाल आता है कि गोली कैसी लेना, तो गोली ये एक घंटा या दो घंटा पहले लेने की है, खाना खाने के पहले लेने की है, पानी के साथ में लेने की है, चार या पांच प्रकार की गोली है, एक साथ हाथ पे लेना, एक साथ खाना पानी पी लेना, और खाना खाने के पहले लेते हैं तो उसका इफेक्ट जल्दी आ जाता है, फटाक से आ जाता है, लेते बराबर आधे एक घंटे में आपका टाइटनेस आ जाएगा। फिर यदि आपकी शादी हुई है तो काउंसिलिंग में मैं आपको बताऊंगा कि जिनकी शादी हुई है उन्होंने क्या करना पत्नी के साथ, जिनकी शादी हुई नहीं है अकेले है उन्होंने क्या करना, जिनकी शादी नहीं हुई है मगर गर्लफ्रेंड के साथ में उन्होंने क्या करना, तब हम ये काउंसिलिंग में विस्तृत वर्णन करते हैं। और विस्तृत वर्णन करके हम आपको काउंसिलिंग में हम आपको अमेरिकन मेथड सिखाते हैं, मास्टर सैन जॉनसन टेक्निक सिखाते हैं, उसमें अलग अलग टिप्स देते हैं, फिर स्टार्ट स्टॉप ट्विस्ट स्टार्ट टेक्निक सिखाते हैं, फिर हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब लैंगिक कमजोरी के लिए देते हैं अमेरिकन मेथड, फिर गलत फहमियों के बारे में बताते हैं, लैंगिक कमजोरी के लिए बारे में बताते, काफी सारे पॉइंट्स हम सेक्स काउंसिलिंग में कवर करते हैं, इसकी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, और ये वीडियोस के माध्यम से आपको मिलेंगे पूरे।
मतलब समझो आपका मिस हो गया तो आपको वीडियोस के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। कीगल्स एक्सरसाइज है वो भी आपको सिखाएंगे। फिर ये और टॉपिक है, बोनस वीडियोस है, नपुंसकता के लिए स्वसंमोहन है ना, हिप्नोटिज्म है, नपुंसकता है आपको तो उसके हमको हिप्नोटिज्म भी सिखाते हैं, और ये वीडियो है मतलब उसका, प्री मैच इजैकुलेशन के लिए भी वीडियो है। ठीक है, तो ये ऐसी 5 प्रकार की गोलियां हैं, मलम है, तेल है, काम पड़ा तो इंजेक्शन है, आपको पूछ के हम करेंगे। और मोर फन, 3 टाइम्स 4 टाइम्स इज वायग्रा 100। ओके यस, वायग्रा 100 कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले सकते हैं। मगर क्या है कि वायग्रा जो है वो वायग्रा बोलो, सिल्डानाफिल या टाडालाफिल, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है और जो हार्ट की दवाई ले रहे हैं उन्होंने नहीं लेना चाहिए सिल्डानाफिल और टाडालाफिल को। जिनको आंख का प्रॉब्लम है उन्होंने भी सिल्डानाफिल टाडालाफिल नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ओके गुड। लोग पूछ रहे सवाल, इसके लिए मैं जवाब बीच बीच में दे रहा हूँ। तो जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको आंख का प्रॉब्लम है, उन्होंने दवाई न लेते हुए मतलब सिल्डानाफिल टाडालाफिल नहीं लेना चाहिए। उसमें मैं आयुर्वेदिक दवाई तो आपको दूंगा, और आयुर्वेदिक दवाई और काउंसिलिंग से आपको फायदा होगा। मैनफोर्स टैबलेट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना मत दो, मत लो, अपने मन से मत लो। ठीक है, पहले दवाई लिया है, आप काउंसलिंग में आइए, फिर से हम काउंसलिंग करेंगे, दवाई लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये 10 मेन प्रॉब्लम होते हैं। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे दिए नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।